नमस्ते कैरोलीन क्रिस्टीना हाँ जरा मेरी बात सुनोगी क्यों नहीं आ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ जरूर पूछो हाल ही में कुछ भाई बहनों ने मेरी समस्याएं बताई वे कहते हैं मैं घमंडी हूँ और मेरे बोलने और काम के तरीके से लोग बेबस हो रहे हैं मैंने खुद को बदलने की कोशिश की मीठा बोलना और लहजा सुधारना चाहा ताकि लोग ये ना कहें कि मैं उन्हें बेबस करती हूँ लेकिन समझ में नहीं आता कि इतना थकाऊ क्यों लगता है मानो मेरी आजादी छिन गई मैंने जानती कि समस्या कहाँ है क्या ये सोचा कि तुम क्यों दूसरों को बेबस कर सकती हो इसकी जड़ में क्या है ये किस भ्रष्ट स्वभाव के कारण होता है नहीं मैंने नहीं सोचा तुम अपने व्यवहार को काबू कर रही हो भ्रष्ट स्वभाव का समाधान नहीं कर रही इससे समस्या हल नहीं होने वाली सही कह हो क्या यहाँ आकर बात करना चाहोगी जरूर मैं जल्दी ही पहुंचती हूँ कुछ साल पहले मैं कलिसिया में गीत लिखने का अभ्यास कर रही थी इस काम पर और सिद्धांतों पर मेरी पकड़ बढ़ने से बेहतर नतीजे मिलने लगे समय बीतने के साथ लोग मेरे बारे में अच्छा सोचने लगे गीत लिखने में दिक्कत होते ही वे मुझसे राय लेने आ जाते अमूमन हर कोई मेरी राय से सहमत रहता था इसलिए मैं खुद को शाबाशी देती रहती मुझे लगता कि मैं उनसे बेहतर हूँ और मेरे बिना टीम का काम नहीं चलेगा मेरे सिर पर हमेशा श्रेष्ठ होने का नशा सवार रहता। फिर बहन शीला हमारे पास गीत लिखने आई सुपरवाइजर ने उसे मेरे साथ जोड़कर मुझे उसकी मदद और मार्गदर्शन करने को कहा शुरुआत में मैंने उसे सिखाने की वाकई कोशिश की अपने अनुभवों का सार देकर उसे बताया कि हमें किन चीजों पर निगाह रखनी चाहिए लेकिन मेरे जोर देकर समझाने के बाद भी वो गड़बड़ करती थी मैं सोचकर उससे नाराज हो गई कि मैंने जो बातें बता दी उनमें भी वो गलतियां कर रही है क्या वो इसमें दिल लगा भी रही है उसके बाद मैं उसकी गलतियां बताते हुए उसे जोर से डांटते हुए कहती मैं पहले ही यह दिक्कत समझा चुकी हूं तुम वही गलतियां क्यों दोहरा रही हो क्या तुम कोशिश भी करती हो हाँ। एक बार सभा के दौरान शीला ने कहा कि वह अपने काम में गलतियां करने और निपटे जाने से डरती है यह सुनकर मैं परेशान हो गई हाल फिलहाल में मैं उसके काम में बहुत गलतियां निकालकर उसे डांट फटकार भी रही थी क्या मैं उसे बेबस कर रही थी लेकिन फिर मैंने सोचा वह हमेशा गलतियां करती रहती है इसलिए इनके बारे में बताना गलत तो नहीं है अगर मैं चुप रही तो क्या वो इन्हें जानकर तेजी से बदल पाएगी मेरी नीयत बुरी नहीं है मैं तो बस ये चाहती थी कि वह माहिर हो जाए और काम से समझौता ना करे धीरे धीरे मैंने देखा कि शीला को जब काम में दिक्कतें आती या उसे कोई विचार नहीं सूझते तो वह मुझे नहीं बताती थी वह नकारात्मक भी हो गई और उससे लगा कि वो ये काम नहीं कर सकती उसकी दशा पर असर पड़ रहा था हाँ, हाँ। दरअसल शीला अकेली नहीं थी जिसके साथ मैंने ऐसा किया दूसरे भाई बहनों से भी मैं ऐसे ही पेश आती थी मैं अपना सारा समय और सारी मेहनत काम में लगा देती थी कभी कभी तो देर रात तक काम करती थी ताकि उसे बेहतर ढंग से कर सकूं। मुझे लगता था कि मैं समर्पित होकर दायित्व का बोझ उठाती हूँ जब मैं अपने आसपास दूसरे लोगों को जल्दी सोते देखती तो ये सोचकर कि वे अपने काम में बोझ नहीं उठाते मैं उन्हें डांटती थी तुम्हें तो दायित्व का बोझ उठाना चाहिए कीमत चुकानी चाहिए आराम के पीछे मत भागो जब बहनें थक जाती और थोड़ा टहलने के लिए उठ जाती या बातें करने लगती तो मुझे लगता कि उनका ध्यान अपने काम में नहीं है मैं नाक बहुत सिकोड़ उन्हें डांटने लगती ये काम का वक्त है तुम्हें अपना ध्यान काम में लगाना चाहिए क्या ऐसे गप्पे मारने से काम में देर नहीं होगी धीरे धीरे दूसरे भाई बहन भी मुझसे कटने लगे कोई दिक्कत या कठिनाई होने पर मेरे पास आना बंद कर दिया मैंने खुद को अलग थलग पाया दूसरों से तालमेल नहीं रहा मुझे अजीब लग रहा था पर समस्या की जड़ पता नहीं थी हाँ मेरी भी ठीक यही स्थिति है बहुत दयनीय हालत में हूं अच्छा तुमने आत्मचिंतन कैसे शुरू किया आ, कुछ महीनों बाद एक दिन अचानक अगुआ ने मेरे पास आकर सख्ती से कहा दूसरे लोग कह रहे हैं कि तुम उन्हें डांटती फटकारती और बेबस करती हो भाई बहनों का तुमसे दम घुटता है वे खुलकर काम नहीं कर पाते ये खराब मानवता दर्शाता है हाँ। अगुआ से यह सुनकर लगा जैसे मेरे मुंह पर तमाचा पड़ा हो मेरा सिर घूमने लगा खासकर लोगों को बेबस करना और खराब मानवता ये सब दिल में छुरी की तरह चुभे मेरा मन घबरा उठा मैं खराब मानवता और दूसरों को बेबस करने वाली कैसे बन गई मैं उनका दम कैसे घोट रही थी मैं उस रात बिल्कुल सो नहीं पाई हर बात दिमाग में गूंज रही थी मैंने सोचा कि मैं सहज रूप से सीधे सपाट कह देती हूँ लेकिन जो कुछ कहती हूँ सच कहती हूँ किसी में दिक्कत दिखने पर उनकी नाराजगी से डरे बिना मैं सीधे बताने की हिम्मत रखती हूँ मुझे लगा कि यह धार्मिक है इससे दूसरे बेबस कैसे हो सकते हैं ये खराब मानवता कैसे हुई लेकिन अगुआ ने कहा है तो अब मैं बदलने पर ध्यान दूंगी और सबको अपना नया रूप दिखाऊंगी तब मैं बेबस करने वाली या खराब मानवता वाली नहीं कहलाऊंगी उसके बाद मैं अपने लहजे पर ध्यान देने लगी, बोलने के अंदाज को भी ठीक किया हमेशा यही सोचा कि चीजों को कैसे थोड़ी और चतुराई से पेश करूं, ताकि लोगों की अहम को चोट ना पहुंचे उन्हें बुरा ना लगे कई बार समस्या दिखने पर इस डर से नहीं बताती कि उन्हें बेबस ना महसूस हो इसके बजाय मैं सुपरवाइजर से संगति करवाती तुमने सिर्फ अपना व्यवहार बदला अपने भ्रष्ट स्वभाव पर आत्मचिंतन नहीं किया हम्म बिल्कुल सही धीरे धीरे मैंने पहले जैसी डांट फटकार बंद कर दी तो लोग कहने लगे कि मुझमें कुछ बदलाव दिखने लगा है लेकिन मुझे सुकून नहीं था मैं काफी उदास थी और बंधन महसूस कर रही थी मैं तलवार की धार पर चल रही थी और हर शब्द नाप तोल कर बोलती थी हाँ उस वक्त मैं खुद से पूछती क्या इस व्यवहार से सच्चा पश्चाताप और बदलाव झलक रहा है जब मैं दूसरों से बात करती हूं तो कोई बेबस नहीं होता लेकिन मुझे क्यों बेबसी महसूस होती है इस पीड़ा और उलझन में मैंने सत्य खोजने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की उससे प्रबोधन और मार्गदर्शन मांगा ताकि मैं अपनी दशा पर आत्मचिंतन कर इसे समझ सकूं। एक बार भक्ति में मैंने वचनों का ये अंश पढ़ा सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं पश्चाताप करते समय सबसे पहले की जाने वाली चीज ये समझना है कि तुमने क्या गलत किया है ये देखना है कि तुम्हारी गलती कहां है समस्या का सार क्या है और तुमने कैसा स्वभाव प्रकट किया है तुम्हें इन बातों पर विचार करना चाहिए और सत्य स्वीकारना चाहिए फिर सत्य के अनुसार अभ्यास करना चाहिए सिर्फ यही पश्चाताप का रवैया है दूसरी ओर यदि तुम व्यापक रूप से शातिर तरीकों पर विचार करते हो तुम पहले की तुलना में अधिक धूर्त बन जाते हो तुम्हारी तरकीबें और भी अधिक चालाकी भरी और गुप्त होती हैं और तुम्हारे पास चीजों से निपटने के और भी तरीके होते हैं तो समस्या सिर्फ धोखेबाज होने जितनी सरल नहीं है तुम छलपूर्ण साधनों का उपयोग कर रहे हो और तुम्हारे पास ऐसे रहस्य हैं जिन्हें तुम प्रकट नहीं कर सकते यह बुराई है न सिर्फ तुमने पश्चाताप नहीं किया है बल्कि तुम और ज्यादा धूर्त और धोखेबाज बन गए हो परमेश्वर देखता है कि तुम हठी और दुष्ट हो एक ऐसा व्यक्ति जो सतही तौर पर यह मानता है कि वो गलत था और निपटे जाने और काट छांट किए जाने को स्वीकारता है लेकिन वास्तव में जिसमें पश्चाताप का रवैया लेश मात्र भी नहीं होता हम ऐसा क्यों कहते हैं क्योंकि जब ये घटना हो रही थी या उसके बाद तुमने सत्य नहीं खोजा और तुमने सत्य के अनुसार अभ्यास नहीं किया तुम्हारा रवैया समस्या हल करने के लिए शैतान के फलसफे तर्क और तरीकों का उपयोग करने का है वास्तव में तुम समस्या से बचकर निकल रहे हो और उसे साफ सुथरे पैकेज में लपेट रहे हो ताकि दूसरे समस्या का कोई नामो निशान न ना देख पाए उन्हें कोई सुराग न मिले अंत में तुम्हें लगता है कि तुम बहुत सयाने हो ये वे चीजें हैं जो परमेश्वर को नजर आती है बजाय इसके कि तुम वास्तव में आत्मचिंतन करो पाप स्वीकारो और पश्चाताप करो उस मामले के सामने आते ही जो आ पड़ा है फिर सत्य की तलाश करो और सत्य के अनुसार अभ्यास करो तुम्हारा रवैया सत्य की तलाश या उसका अभ्यास करने का नहीं है न ही ये परमेश्वर की संप्रभुता और व्यवस्था के प्रति समर्पण करने का है बल्कि समस्या को हल करने के लिए शैतान की तरकीबों और तरीकों का उपयोग करने का है तुम दूसरों को अपने बारे में एक गलत धारणा देते हो और परमेश्वर द्वारा उजागर किए जाने का विरोध करते हो और परमेश्वर ने तुम्हारे लिए जिन परिस्थितियों का आयोजन किया है उनके प्रति रक्षात्मक और टकरावपूर्ण होते हो तुम्हारा दिल पहले से ज्यादा अवरुद्ध और परमेश्वर से अलग है इस तरह क्या इसमें से कोई अच्छा परिणाम आ सकता है क्या तुम अभी भी शांति और आनंद का लाभ उठाते हुए प्रकाश में रह सकते हो नहीं रह सकते अगर तुम सत्य और परमेश्वर से दूर हो जाते हो तो तुम निश्चित रूप से अंधेरे में गिरोगे और रोते हुए दांत पीसोगे आमीन, आमीन।, आमीन। वचनों से मैंने सीखा कि सच्चे पश्चाताप और बदलाव के लिए सच्चा आत्मचिंतन जरूरी है और अपने भ्रष्ट स्वभाव और समस्याओं के सार की समझ भी होनी चाहिए अपने दोष की जड़ जानकर अपनी भ्रष्टता दूर करने के लिए सत्य खोजना चाहिए सच कहा। जब अगुआ ने दूसरों को बेबस करने वाली मेरी दिक्कत सामने रखी तो मैंने जरा भी सोच विचार नहीं किया ना सत्य खोजा ताकि जानू की बेबस करने का अर्थ क्या है मेरा कौन सा बर्ताव लोगों को बेबस करता है इस समस्या पर ईश्वचन क्या प्रकाश डालते हैं वैसे व्यक्ति के प्रति परमेश्वर का रुख क्या होता है इसके बजाय मैंने अपनी इस कपोल कल्पना के अनुसार कदम बढ़ाया कि मैं बड़ी फट हूं और मेरा लहजा ठीक नहीं है इसलिए लोग बेबस होते हैं सबको ये दिखाने के लिए कि मैं बदल चुकी हूं मैंने अपने लहजे और बर्ताव को ठीक किया अब बेबाकी से समस्या ना बताकर वही कहती जिससे किसी को बुरा ना लगे कभी कभी मैं दूसरों को सिद्धांतों का साफ उल्लंघन करते देखती लेकिन बताने से डरती कि कहीं उन्हें बेबस न महसूस हो इसीलिए मैं अनदेखा कर देती सुपरवाइजर को बताती ताकि वही इसे संभाले। कुछ समय ये अभ्यास करने के बाद भले ही लोग मानने लगे कि मैं उन्हें पहले जैसी बेबस नहीं करती पर मैं तो सिर्फ अपना व्यवहार बदल रही थी अपना जीवन स्वभाव नहीं बदल रही थी सही सही कहा, कहा। निपटान होने पर मैंने अपना भ्रष्ट स्वभाव ठीक करने के लिए सत्य नहीं खोजा मैंने सिर्फ संयम बरता और झूठ का मुखौटा ओढ़ लिया मेरी उदासी बढ़ने और दम घुटने का यही कारण था मैं अपने हर शब्द को लेकर कुछ ज्यादा ही सचेत थी ये जीने का थकाऊ तरीका था बेशक, बेशक। सत्य की खोज और नियमों का पालन ना करके मैंने अपने लिए मुसीबत बुला ली बिल्कुल हाँ। तुम्हारी संगति मेरी दशा से मेल खाती है लोग कहते कि मैं उन्हें बेबस करती हूँ लेकिन मैंने सोचा ही नहीं कि मेरा कौन सा भ्रष्ट स्वभाव मुझसे ऐसा करवा रहा है या कैसे सत्य का अभ्यास करूं मैंने सिर्फ अपना लहजा बदला और अपने कदम पीछे खींच लिए मेरे लिए यह और थी इसका एक ही कारण था सत्य न खोजना हुँ। हुँ। बिल्कुल तो मैंने सोचा कि मैं आगे से ऐसा नहीं कर सकती मुझे परमेश्वर की शरण में आकर आत्मचिंतन व सत्य की खोज द्वारा नकारात्मक दशा से निकलना होगा बाद में मैंने दूसरों को बेबस करने के बारे में ईश्वचन खोजी और आत्मचिंतन के दौरान उन पर अमल किया एक दिन मैंने ईश्वचनों में ये पढ़ा सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं अगर तुम केवल सिद्धांत की बातें दोहराते हो और लोगों को व्याख्यान देते हो उनसे निपटते हो तो क्या तुम उन्हें सत्य समझा सकते हो और उसकी वास्तविकता में प्रवेश करा सकते हो जिस सत्य की तुम संगति करते हो अगर वो वास्तविक नहीं है अगर वो सिद्धांत के शब्दों के अलावा कुछ नहीं है तो तुम कितना भी उनसे निपटो और उन्हें व्याख्यान दो उसका कोई लाभ नहीं होगा क्या तुम्हें लगता है कि लोगों का तुमसे डरना और जो तुम उनसे कहते हो वो करना और विरोध करने की हिम्मत न करना उनके सत्य को समझने और आज्ञाकारी होने के समान है यह एक बड़ी गलती है जीवन में प्रवेश इतना आसान नहीं है कुछ अगुवा एक मजबूत छाप छोड़ने की कोशिश करने वाले एक नए प्रबंधक की तरह होते हैं वे अपने नए प्राप्त अधिकार को परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर थोपने की कोशिश करते हैं ताकि हर व्यक्ति उनके अधीन हो जाए उन्हें लगता है कि इससे उनका काम आसान हो जाएगा अगर तुम में सत्य की वास्तविकता का अभाव है तो जल्दी ही तुम्हारा असली आध्यात्मिक कद उजागर हो जाएगा और तुम्हारे असली रंग सामने आ जाएंगे और तुम्हें निकाला भी जा सकता है कुछ प्रशासनिक कार्यों में थोड़ा निपटान काट छाट और अनुशासन स्वीकार्य है लेकिन अगर तुम सत्य की संगति करने में असमर्थ हो तो अंत में तुम समस्या हल करने में असमर्थ होगे और कार्य के परिणामों को प्रभावित करोगे अगर कलीसिया में चाहे जो भी समस्याएं आए तुम लोगों को व्याख्यान और दोष देना जारी रखते हो अगर तुम हमेशा बस अपना आपा खोते हो तो यह तुम्हारा भ्रष्ट स्वभाव है जो प्रकट हो रहा है और तुमने अपनी भ्रष्टता का बदसूरत चेहरा दिखा दिया है अगर तुम हमेशा मंच पर खड़े होकर इसी तरह लोगों को व्याख्यान देते हो तो जैसे जैसे समय बीतेगा लोग तुमसे जीवन का प्रावधान प्राप्त करने में असमर्थ हो जाएंगे वे कुछ भी वास्तविक हासिल नहीं करेंगे बल्कि तुमसे घृणा करेंगे और तुम्हें ठुकरा देंगे इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होंगे जो विवेक की कमी के कारण तुमसे प्रभावित होकर इसी तरह दूसरों को व्याख्यान देंगे और उनसे निपटेंगे और उनकी काट छाट करेंगे वे भी इसी तरह क्रोधित हो जाया करेंगे और अपना आपा खो दिया करेंगे तुम न केवल लोगों की समस्याएं हल करने में असमर्थ होगे, तुम उनके भ्रष्ट स्वभाव को बढ़ावा भी दोगे और क्या ये उन्हें विनाश के मार्ग पर नहीं ले जा रहा क्या ये दुष्कर्म नहीं है अगुआ को मुख्य रूप से सत्य के बारे में संगति और जीवन का प्रावधान करते हुए अगुवाई करनी चाहिए अगर तुम हमेशा मंच पर खड़े होकर दूसरों को व्याख्यान देते हो तो क्या वे सत्य समझ पाएंगे अगर तुम कुछ समय तक इसी तरह से काम करते रहे तो जब लोग तुम्हारी असलियत देख लेंगे वे तुम्हें छोड़ देंगे क्या तुम इस तरह से काम करके लोगों को परमेश्वर के सामने ला सकते हो तुम निश्चित रूप से नहीं ला सकते तुम सिर्फ कलीसिया का काम खराब कर सकते हो और परमेश्वर के सभी चुने हुए लोगों को तुमसे घृणा करने और तुम्हें छोड़ देने के लिए बाध्य कर सकते हो आमीन, आमीन, आमीन। ईश्वचनों पर विचार कर मैंने जाना कि दूसरों की दिक्कतें देखकर भी उनकी मदद के लिए संगति ना करना या अभ्यास का मार्ग न बताना और इसके बजाय गलतियों के लिए उन्हें डांटना या फटकारना और उन पर बस सब करने का दबाव डालना जो आप चाहते हैं संकीर्ण व्यवहार है वचनों की रोशनी में मैंने खुद को वैसा ही पाया शीला जब पहली बार गीत लिखने का अभ्यास करने लगी तो उसे काम के कई तौर तरीके पता नहीं थे उससे गलतियां होना लाजमी था सहयोगी होने के नाते मुझे उसकी मदद कर सहारा देना चाहिए था और साथ में गलतियों के कारण जानकर उन्हें दूर करना चाहिए था लेकिन मैंने उसके असली आध्यात्मिक कद या परेशानियों को ध्यान में नहीं रखा मैंने ना तो उसे समझा और ना ही उसकी गलतियों के मूल कारण खोजे बल्कि मैंने उस पर कर्तव्य के प्रति समर्पित ना होने का ठप्पा लगाया मैं उसे हरदम जोर से डांटती फटकारती थी जिससे वह बेबस हो जाती और इस बुरी स्थिति ने उसके काम पर असर डाला हकीकत में हर किसी की काबिलियत और समझ अलग होती है इसलिए उनसे अपेक्षाएं भी अलग होनी चाहिए बिल्कुल मैं दूसरे भाई बहनों के साथ बोलचाल में भी बिल्कुल वैसी ही थी अगर कोई मुझसे पहले सोने चला जाता काम से फुर्सत लेकर टहल रहा होता या गपशप कर रहा होता तो मैं सोचती कि वह लापरवाह है और देहक सुखों की परवाह करता है और मैं उसे नीचे निगाह से देखती थी मैं हमेशा दूसरों को डांटती थी जिससे वे मेरा विरोध कर मुझसे कटने लगे दूसरों से ऐसी बातचीत और कामकाज करके उन्हें कोई सबक या फायदा तो मिला नहीं उल्टे वे डर कर बेबस हो गए मुझ में ना तो दूसरों के लिए प्यार था और ना ही मानवता थी हकीकत में देर तक काम करने के बाद उठकर आसपास टहलना या कुछ देर गपशप या आराम करना बहुत ही सामान्य बात है पर मैं जोर देती कि हर कोई मेरी तरह देर से सोने जाए और गपशप ना करे मैं इतनी घमंडी और पाखंडी थी मैं दूसरों से भ्रष्टता से पेश आती थी वचनों या सत्य के सिद्धांतों के अनुसार नहीं चलती थी इससे लोगों का दम घुटने लगा और वे बेबस हो गए सोच विचार के दौरान इस बात पर आत्मग्लानी होने से मैं परेशान हो गई मैंने देखा कि मुझमें वाकई ना तो विवेक है ना ही मानवता हाँ। मेरी भी यही स्थिति है जानती हो कभी कभी मैं खुद से पूछती हूँ मैं भी दूसरों के साथ अच्छे से निभाना और काम करना चाहती हूँ फिर मैं घमंडी बनकर उन्हें डांटने और बेबस करने से क्यों नहीं बच पाती इसका असली कारण क्या है तो तुमने इस समस्या को कैसे समझा मैंने ईश वचनों का एक और अंश पढ़ा जिससे मुझे इस समस्या की जड़ को जानने में मदद मिली ओ। ओ। अगर तुम सत्य समझते हो तो जानोगे कि इसका अभ्यास और परमेश्वर की आज्ञा का पालन कैसे करना है तुम स्वाभाविक रूप से सत्य के अनुसरण के मार्ग पर चलने लगोगे अगर तुम्हारा मार्ग सही है और ईश इच्छा के अनुरूप है तो पवित्र आत्मा का कार्य तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा और परमेश्वर को धोखा देने का जोखिम कम होगा सत्य के बिना पूरे काम करना आसान है और तुम ये अपनी मर्जी के बिना करोगे मान लो तुम्हारा स्वभाव अहंकारी है तो तुम्हें परमेश्वर का विरोध ना करने को कहने से कुछ नहीं होगा तुम खुद को नहीं रोक सकते ये तुम्हारे नियंत्रण के बाहर है तुम ऐसा जानबूझकर नहीं बल्कि अपनी अहंकारी और दम्भी प्रकृति के कारण करोगे इस प्रकृति के कारण तुम परमेश्वर को नीची नजर से देख उसे कुछ नहीं समझते हो उनके कारण तुम खुद को ऊंचा उठाओगे निरंतर खुद का दिखावा करोगे वे तुमसे दूसरों का तिरस्कार करवाएंगे और तुम्हारे दिल में बस तुम्हें रहने देंगे वे तुम्हारे दिल से परमेश्वर का स्थान छीन कर तुम्हें उसके स्थान पर बैठाएंगे और दूसरों से तुम्हारे प्रति समर्पण मांगेंगे और तुमसे अपने ही विचारों ख्यालों और धारणाओं को सत्य मानकर पूजा करवाएंगे लोग अपनी उद्दंडता और अहंकारी प्रकृति के प्रभुत्व के अधीन इतनी बुराई करते हैं आमीन आमीन परमेश्वर के वचनों से एहसास हुआ कि मैं अपनी अहंकारी शैतानी प्रकृति के कारण ही दूसरों के साथ इतने रौबदाब से पेश आती थी मैं लंबे अरसे से गाने लिख रही थी इसलिए सिद्धांत और कौशल जानने के कारण सुपरवाइजर अक्सर कहता कि मैं दूसरों की मदद और मार्गदर्शन करूं। मैं इसे निजी पूंजी मानती थी सोचती थी मैं दूसरों से बेहतर हूं मैं खुद को मुकम्मल मानती थी और सबको नीची निगाहों से देखती थी जब शीला गीत लिखने में गलतियां करती रही तो मैंने आपा खोकर उसे डांटा लेकिन दरअसल उसे कम आगकर मैं खुद को ऊपर उठा रही थी मैं खुद को उससे बेहतर दिखाना चाहती थी वह ऐसी गलतियां करके दिक्कतें खड़ी कर रही है जो मैं नहीं करती वह असावधान और गैर जिम्मेदार है जबकि मैं अपने काम में गंभीर और जिम्मेदार हूं लेकिन अब लगता है कि शीला में कई खूबियां भी थीं। वह काबिल थी तेजी से गाने लिखना सीख जाती और बहुत से अच्छे सुझाव देती थी लेकिन मेरी निगाह कमियों पर ही जमी रही और उसकी खूबियां नहीं दिख पाई उसके लिए मैंने ऊंचे मापदंड तय कर दिए थे मैं उसे बताई गई गलती दोहराते देख नहीं सकती थी दूसरों को गपशप करते या जल्दी सोने जाते देख उन्हें भी फटकार देती थी मैंने अपनी निजी अपेक्षाओं और मानकों को सत्य के सिद्धांत जैसा माना और दूसरों को इनका पालन करने को कहा और पीछे रहने पर फटकारा भी मैं ऐसे पेश आती थी मानो मुझ में कोई दोष नहीं मैं परिपूर्ण हूं मैं बहुत घमंडी और विवेकहीन थी सच तो यह है कि मैं अक्सर अपने काम में गलतियां करती थी कभी कभी मेरी असावधानी और लापरवाही के कारण हमारे काम पर बुरा असर पड़ा चुनौतियां पेश आने पर मैं अनमनी और खिन्न होकर पीछे हट गई मैंने कीमत अदा नहीं करना चाहा। मैं दूसरों से कोई बेहतर नहीं थी लेकिन मैंने ना अपने दोष देखे ना ही दिक्कतें खुद को हमेशा दूसरों से श्रेष्ठ समझा मुझे वाकई खुद की समझ नहीं थी इसका एहसास होने पर मैं बहुत शर्मिंदा हुई यह सोचकर भी कोफ्त हुई कि मैं कितनी घमंडी हूं और मानवता के साथ नहीं जीती हूं हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद तुम्हारी संगति ने मेरे लिए चीजें स्पष्ट कर दी हैं। दूसरों को डांटने और बेबस करने के पीछे कमी मेरे लहजे में नहीं है बल्कि इसका मुख्य कारण मेरा अहंकारी स्वभाव है मैं चाहती हूं कि लोग मेरे मापदंडों पर खड़े उतरे लेकिन यह तर्क संगत नहीं है बिल्कुल सही उसके बाद सत्य खोजने के दौरान मुझे एहसास हुआ मैं सोचती थी कि समस्याएं देखकर दूसरों को बता सकने का अर्थ है कि मुझ में खुलकर बोलने और दूसरों की नाराजगी मोल लेने की हिम्मत है और यह धार्मिकता का बोध होना दिखाता है लेकिन दरअसल मैं धार्मिकता और अहंकार में फर्क नहीं कर सकी मैंने सत्य खोजने के दौरान परमेश्वर के सामने ये समस्या रखी ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है बिल्कुल तो फिर तुमने क्या खोजा एक बार एक सभा में कलिसिया ने इस बारे में अपनी समझ पर संगति की उसने कहा कि धार्मिकता का मतलब सत्य को सर्वोपरि रख ईश कार्य की रक्षा करना है अगर आप वाकई सत्य समझते हैं और जानते हैं कि सत्य और ईश वचनों के अनुरूप क्या है तो इसे सर्वोपरि रखना चाहिए लेकिन ऐसा कर पाने की हिम्मत ना करना धार्मिकता बोध की कमी है अहंकारी और दम्भी होना ऐसा शैतानी स्वभाव है जो परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह और प्रतिरोध करता है परमेश्वर के वचनों कार्यों और अपेक्षाओं की अनदेखी कर अपने बारे में ही सोचते रहना अपने ही विचारों और धारणाओं से चिपके रहना ये सोचना कि हम सब कुछ जानते हैं यही अहंकारी और दम्भी होना है अहंकार पूरी तरह धार्मिकता और सिद्धांतों का पालन करने के उलट है वे बिल्कुल मेल नहीं खाते बिल्कुल अगुआ की संगति सुनकर मैंने अहंकार और धार्मिकता के बीच का कुछ अंतर समझा धार्मिकता वाला व्यक्ति ही कलिसिया के कार्य की रक्षा कर सकता है कलिसिया के हितों को चोट पहुंचते देखकर वे संगति द्वारा इसे रोक सकते हैं और दूसरों की समस्या बता सकते हैं कभी कभी वे कठोर बातें भी कह सकते हैं लेकिन उनकी बात निष्पक्ष व्यवहारिक और कलिसियाई कार्य के हित में होती है ये दूसरों के जीवन प्रवेश में लाभकारी होता है इसमें निजी इरादे नहीं होते यही धार्मिकता की अभिव्यक्ति है मैंने सोचा कि जब अगुआ किसी को गैर जिम्मेदार होते और काम बिगाड़ते देखे तो कभी कभी उसकी काट छांट और निपटान कर सकता है उसका लहजा कठोर और मुंहफट भले ही हो लेकिन वह समस्या की प्रकृति और परिणाम बताता है ताकि लोग फौरन आत्मचिंतन और पश्चाताप करें इससे लोग अपने बारे में और जान सकते हैं और काम के नुकसान से बचा जा सकता है इसका ये तो अपने मानकों और विचारों के हिसाब से काम करवाना हुआ आपकी नीयत खुद को श्रेष्ठ दिखाने की होती है नतीजतन आप लोगों पर बहुत से नियम थोप कर उन्हें भयभीत कर देते हैं और बेबस बंधक और नकारात्मक महसूस कराते हैं शीला के साथ काम करते हुए जब मैंने उसे काफी गलतियां करते देखा तो मैंने ना तो ये खोजा कि वह गलतियां क्यों कर रही है ना ही सकारात्मक संगति की बल्कि उसकी समस्याओं पर उसे डाटा फटकारा जिससे वह बहुत बेबस हो गई मेरा अहंकारी स्वभाव साफ दिख रहा था मैंने धार्मिकता के साथ कलिसियाई कार्य सर्वोपरि नहीं रखा सही कहा अगर कोई नेक नियत सिद्धांत प्रिय है और कलिसियाई कार्य को सर्वोपरि रखता है समस्याएं देखकर निष्पक्ष होकर बता सकता है तो वो कठोर बातें करके भी अहंकारी नहीं होता ऐसा अभ्यास दूसरों को सबक देने वाला और काम के हित में होता है इसे ही सत्य का अभ्यास और धार्मिकता दिखाना कहते हैं बिल्कुल अगर आप अहंकारी होने और दूसरों को बेबस करने की समस्या दूर करना चाहते हैं तो आपका ध्यान चतुराई से बातें करने या दिक्कतें देखकर चुप्पी साधने पर नहीं होना चाहिए बल्कि आत्मचिंतन कर अपना अहंकारी स्वभाव बदलने पर ध्यान देना चाहिए आप अपने शब्दों के पीछे के इरादे अपने उचित स्थान पर टिके रहे अपनी धारणाओं के हिसाब से ना दूसरों से अपेक्षाएं रखें ना ही उनकी आलोचना करें सही, सही कहा।, कहा मैं अहंकार और धार्मिकता में फर्क नहीं बता सकती मैं लोगों के साथ अहंकार से पेश आती हूँ सोचती हूँ कि मैं धार्मिक हूँ जिससे वे बहुत बेबस हो जाते हैं सही कहा मैं समझ गई कि सत्य समझे बिना मैं कितनी भ्रमित हूँ बिल्कुल अगर आप दूसरों को बेबस करने से बचना चाहते हैं तो अपने को बदलें। दूसरों से भेदभाव या पक्षपात न करें यही निष्पक्ष होना है हम्म, बिल्कुल हुँ। फिर तुमने सत्य का अभ्यास और उसमें प्रवेश कैसे किया मैंने ईश का एक और अंश पढ़ा जिससे मुझे अभ्यास के मार्ग की समझ मिली कैरोलिन तुम इसे पढ़ोगी क्यों नहीं यहाँ से पढ़ना परमेश्वर के चुने हुए लोगों में कम से कम अंतकरण और समझ होनी चाहिए और उन्हें सामान्य मानवता के मानकों के अनुसार लोगों से जुड़ना बातचीत करना और चीजें संभालनी चाहिए स्वाभाविक रूप से परमेश्वर द्वारा अपेक्षित सत्य के सिद्धांतों के अनुसार अभ्यास करना सबसे अच्छा है यह परमेश्वर को संतुष्ट करता है तो परमेश्वर द्वारा अपेक्षित सत्य के सिद्धांत क्या हैं? जब दूसरे कमजोर और नकारात्मक हों तो लोग उनकी कमजोरी और नकारात्मकता समझें लोग दूसरों के दर्द और कठिनाइयों के प्रति विचारशील रहें इनके बारे में पूछताछ करें सहायता और समर्थन करें समस्याएं हल करने को उन्हें परमेश्वर के वचन पढ़कर सुनाएं, ताकि वे कमजोर ना रहें और वे परमेश्वर के सामने लाए जाएं। क्या अभ्यास करने का यह तरीका सिद्धांत के अनुरूप है इस प्रकार अभ्यास करना सत्य के सिद्धांत के अनुरूप है स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के संबंध भी सिद्धांत के अनुरूप होते हैं जब लोग जानबूझकर हस्तक्षेप करते बाधा डालते या अपने कर्तव्य में लापरवाह और अनमने रहते हैं अगर तुम इसे देखते हो और सिद्धांत के अनुसार मामले संभालने में सक्षम हो और उन्हें इन चीजों के बारे में बताकर उन्हें फटकार लगा सकते हो तो यह सत्य के सिद्धांतों के अनुरूप है अगर तुम आंखें मूंद लेते हो या उनके प्रति सहिष्णु होकर उनके दोष ढकते हो यहाँ तक कि उनसे अच्छी अच्छी बातें कहते प्रशंसा करते हो कपट से उनसे झूठी बातें बोलते हो तो ऐसे व्यवहार लोगों के साथ बातचीत करने मुद्दों से निपटने और समस्याएं संभालने के ऐसे तरीके स्पष्ट रूप से सत्य के सिद्धांतों के विपरीत हैं और उनका ईश्वचनों में कोई आधार नहीं है इस स्थिति में ये व्यवहार और लोगों के साथ बातचीत करने और मुद्दे संभालने के तरीके स्पष्ट रूप से अनुचित आमीन, आमीन, आमीन ईष्ट वचनों के बारे में सोचकर मुझे एहसास हुआ कि भाई बहनों के साथ बोलचाल और कामकाज के दौरान हमें निष्पक्ष व्यवहार करना और उनकी खूबियां देखना आना चाहिए हम लोगों को सिर्फ इसलिए नीचा ना समझे कि उनमें कुछ कमियां और दिक्कतें हैं ये तर्क संगत नहीं है हर एक के आध्यात्मिक कद काबिलियत और समझ बूझ का स्तर अलग होता है हमें अपेक्षाएं व आलोचनाएं निजी पसंद के आधार पर नहीं करनी चाहिए दूसरों की दिक्कतें दिखने पर हमें उनकी मदद करनी चाहिए सत्य पर संगति कर उन्हें सहारा देना चाहिए ताकि वे सत्य के सिद्धांत समझकर अभ्यास का मार्ग पा सकें समस्याएं हल करने का यही सबसे अच्छा तरीका है जहां तक अक्सर लापरवाह होकर अपना काम बिगाड़ने वालों की बात है उन्हें उजागर कर निपटा जा सकता है इसी को दूसरों को बेबस किए बिना जिम्मेदारी से पेश आना कहते हैं ये सब समझ में आते ही ईश वचनों पर अमल करने लगी उसके बाद जब मैं दूसरों के कार्यों में दिक्कतें देखती हूं तो पहले मैं उनके साथ बातचीत करके समस्या का कारण खोजती हूँ कि कहीं ये लापरवाह होने या सिद्धांतों की समझ ना होने का मामला तो नहीं है फिर मैं संगति के लिए परमेश्वर के समुचित वचन खोजकर समाधान का मार्ग तलाशती अगर कई बार संगति करने के बाद भी वे खुद को नहीं बदलते और कलिसियाई कार्य को प्रभावित करते हैं तो मैं उनके साथ उचित रूप से निपटती हूँ अब मैं बेबस महसूस नहीं करती परमेश्वर का धन्यवाद दूसरों से से सिद्धांत पेश आने का का तरीका और अभ्यास का मार्ग है। बिल्कुल। हमारी टीम की सदस्य बहन क्लारा दायित्व का बोझ नहीं उठाती थी इससे गीत लेखन का काम पिछड़ा और नतीजे खराब हुए उसकी समस्याएं मैंने उसे बता दी लेकिन इन्हें नकार कर उसने खुद को सही ठहराने के बहाने बनाए मुझे एहसास हुआ कि वह खतरनाक दशा में है और अगर उसने खुद को बदलकर सत्य में प्रवेश नहीं किया तो काम को नुकसान होगा इस कारण वो बर्खास्त की जा सकती है बिल्कुल। लिहाजा उसके बाद मैंने बेबाकी से उसकी समस्याएं बताई उसके व्यवहार की प्रकृति को उजागर कर इसके जारी रहने के दुष्परिणाम बताए तब जाकर उसे अपनी समस्या की गंभीरता का बोध हुआ और वो खुद को बदलने को राजी हुई उसके बाद अपने काम को लेकर क्लारा का रवैया काफी बदल गया और वह कहीं ज्यादा काम करने लगी परमेश्वर परमेश्वर हाँ, का का धन्यवाद का धन्यवाद बहुत हाँ। अब जब मैं दूसरों को सिद्धांतों का उल्लंघन करते और कलिसिया के कार्य से समझौता करते देखती हूँ तो अब भी अहंकार दिखाने की इच्छा होती है लेकिन मैं प्रार्थना कर खुद को याद दिलाती हूँ कि दूसरों से निष्पक्ष व्यवहार करना है उन्हें मदद और लाभ देने का सबसे अच्छा तरीका खोजना है कुछ समय तक इस तरह अभ्यास करने से दूसरों से मेरे रिश्ते धीरे धीरे सामान्य होते गए एक दिन मैंने एक बहन को कहते सुना कि मेरी संगति से उसे अपनी दशा थोड़ी बदलने में मदद मिली इससे मैं फूली नहीं समाई पिछले कुछ वर्षों के बारे में सोचूं तो निपटे जाने के अनुभव से मुझे अपने बेबस कर देने वाले बर्ताव के बारे में समझने में मदद मिली है भाई बहनों के साथ बातचीत करने और सामान्य मानवता के साथ जीने के लिए कुछ अभ्यास के मार्ग मिले हैं इस समझदारी और बदलाव का श्रेय मेरे लिए परमेश्वर के उद्धार को जाता है परमेश्वर का धन्यवाद तुम्हारे अनुभव से मुझे बहुत मदद मिली है